कोरोना वायरस के कारण जहां पूरी दुनिया संकट में है, वहीं पाकिस्तान अभी भी अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, कोरोना जैसी महामारी के संकट के बीच भी पाकिस्तान अपने आतंकियों को बचाने में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान की सरकार ने 4000 आतंकियों के नाम टेररिस्ट वॉच लिस्ट से हटा दिए हैं। हालांकि यहां कई जानकारों का दावा है कि इनमें 2008 के मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित अन्य भी शामिल है। दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बात की ना तो अभी तक किसी को जानकारी दी है और ना ही हटाने से पहले किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से इसकी चर्चा की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये सब इसलिए किया क्योंकि वो एसटीएफ से बचने की चाल है। गौरतलब है कि एसटीएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जून 2018 से निगरानी बढ़ा दी है। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं और इसके बाद उसे ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान का नाम डलने से पहले एसटीएफ ने उसे चेतावनी भी दी है कि आतंकवाद पर जल्द रोक नहीं लगाई तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अब तक पाकिस्तान किसी तरह से आतंकवाद पर रोक नहीं लगा सका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।